वेलकम फ्रेंड्स, एडवांस एग्ज़ाम गाइड में आज हम लाए हैं टॉपिक नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, इन कश्मीर देयर आर फाइव नेशनल पार्क्स विच इंक्लूड दाशीगाम, कश्तवार, हेमिस, काजीनाग एंड सलीम अली नेशनल पार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दाशीगाम नेशनल पार्क। दिस नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। इट इज 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर सिटी। द एरिया ऑफ दाशीगाम नेशनल पार्क इज 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस नेशनल Actually, this Dashigam National Park was earlier a Royal Game Reserve, and in 1910, then it was declared as protected area. तो आगे हम बात करते हैं दाशीगाम में पाए जाने वाले कुछ पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में। तो सबसे पहले बात हम करेंगे पेड़ों के बारे में। बात करते हैं दाशीगाम में पाए जाने वाले जानवरों की। तो दाशीगाम नेशनल पार्क में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें है कश्मीर स्टैग, यानी जिसमें कश्मीरी में हांगुल कहते हैं, और यहाँ पर दुनिया की एक एंडेंजर्ड स्पीशी पाई जाती है जिसका नाम है रेड डियर। बर्ड्स में यहाँ पाए जाने वाले हैं सिनेमोन स्पैरो, यहाँ पर पाए जाने वाले ब्लैक बुलबुल, हिमालयन ग्रे लंगूर, यहाँ के कुछ खास स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोल्डन ईगल भी पाई जाती है, ब्रेडेड वुलचर भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ लेपर्ड, वाइल्ड गोट भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं दूसरी नेशनल पार्क की, ये हमारे पास है कश्तवार नेशनल पार्क। कश्तवार नेशनल पार्क का नाम कश्तवार डिस्ट्रिक्ट पर ही रखा गया है। इसका जो एरिया है वो है 400 किलोमीटर स्क्वायर, और ये कश्तवार से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कश्तवार नेशनल पार्क चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ में रैनी रिवर है, दूसरी तरफ किबर नाला है, तीसरी तरफ हिमालय आते हैं, ग्रेट हिमालयाज आते हैं, और चौथी तरफ इसका मारवा रिवर आता है। कश्तवार नेशनल पार्क की एस्टैब्लिशमेंट 1981 में हुई। इसका जो एरिया वो मैंने ऑलरेडी बताया 400 किलोमीटर स्क्वायर है। कश्तवार में पाए जाने वाले कुछ पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो इनमें हैं कॉर्निफेरस मेडोज, यहाँ पे हैं अल्पाइन हैं, यहाँ पर सिक्रब फॉरेस्टस पाए जाते हैं। इसके अलावा जब हम यहाँ के जानवरों की बात करते हैं तो जानवरों में यहाँ सबसे पहले बर्ड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर बर्ड्स में पाए जाते हैं हिमालयन जंगल क्रो, ब्रेडेड वोल्चर, ग्रिफन वोल्चर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, गोल्डन एरोल, वाइट चेकर्ड बुलबुल, इंडियन मैना, गोल्डन ईगल, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं मैमल्स की, तो यहाँ पर जो फेमस है वो है हांगुल, मस्क डियर, मारखोर, हिमालयन ब्राउन बियर, लंगूर, लिपर्ड, जेकॉग वगैरह, या ब्लैक बेयर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसी तरह किश्तवाड़ नेशनल पार्क में बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। इनमें लंगूर, स्नो लिपर्ड या मार्टिन, हिमालयन कैथ, वाइल्ड बियर वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क
के बारे में बात करेंगे तो इसका जो एरिया बनता है वो है 600 स्क्वायर किलोमीटर्स है हेमस नेशनल पार्क का एरिया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ये आती है ईस्टर्न लद्दाख के, इसकी लोकेशन है जो कि बहुत ही ऊंची जगह पर है। बात करेंगे यहाँ के फ्लोरा फौना की, हेमिस नेशनल पार्क की, तो यहाँ का जो फ्लोरा फौना है तो फॉरेस्टस यहाँ पर जेनिफर फॉरेस्टस पाए जाते हैं, पॉपलस पाए जाते हैं, सेलेक्स फॉरेस्टस पाए जाते हैं या सुबल पाइन ड्राई बर्च फिर पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ के जानवर या फौना के बारे में तो फेमस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए मशहूर है। यहाँ पर कुछ और भी जानवर पाए जाते हैं जिनमें अर्गिनी यानी ग्रेट तिब्बतियन शीप, शपू यानी लद्दाखी ओरेल, इसी तरह यहाँ पर पाए जाने वाले हैं तिब्बतियन वुल्फ वगैरह या रेड फोकस या ब्राउन बियर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये दो वैलीज के बीच में आती है, उन दो वैलीज के नाम हैं मरखा वैली एंड रंबक वैली, ये इन दो वैलीज के दरमियान है जैसा कि मैंने पहले बताया। यहाँ हेमिस नेशनल पार्क में सबसे फेमस जो है वो है स्नो लेपर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे अनदर नेशनल पार्क की जिसका नाम है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आती है, डिस्ट्रिक्ट ये श्रीनगर सिटी से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका आल्टीट्यूड जो है वो बनता है 1800 से लेकर 4300 मीटर के आसपास इसका आल्टीट्यूड बनता है। काजीनाग नेशनल पार्क जहलम के किनारों के पास वाका है और ये नेशनल पार्क जिस जानवर के लिए मशहूर है इनमें मारखोर है या हिमालयन मस्क डियर है, ब्लैक बेयर है और ब्राउन बेयर है। यहाँ पर इसी तरह बहुत तरह के स्पीशीज़ पाए जाते हैं, तकरीबन 120 तरह के अनदर स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनदर नेशनल पार्क की, ये है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर सिटी के बहुत ही पास है, इसका जो पहला नाम था वो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था। इसका जो एरिया बनता है वो है 9.07 किलोमीटर स्क्वायर। सलीम अली नेशनल पार्क में कुछ अहम स्पीशीज़ पाए जाते हैं जिनमें हांगुल मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बेयर एंड इसी तरह के अनदर स्पीशीज़, तकरीबन 70 किस्मों की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ और तरह के जानवर जिनमें कश्मीरी एंटीलोप, चाकर, स्नोकॉक और सिरो भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे जम्मू कश्मीर में पांच नेशनल पार्क्स के बारे में। दोस्तों इसी तरह हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में भी अनदर वीडियो लाने वाले हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।